हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ब्लॉगर धनवी। और मैं हूँ स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर पुताई हुई है और इसी कलर से है ना, हमने किचन में भी पुताई की है। मैं आपको ना बाद में दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है मेरा किचन। और तो ये देखिए, यहाँ पर ना बहुत सारी वही हम लोग पुताई वगैरह करते हैं तो नीचे पेंट गिर जाता है तो वही दाग वगैरह लग जाता है, तो ये भी मुझे साफ करना है। और आप देख सकते हैं चेयर भी कितनी गंदी हो गई है ना, यही चेयर मैंने दी थी पुताई करने के लिए और टेबल भी दिया था। और आज मैं फिर से आप लोगों के रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ हैंकी टक का वीडियो। और इनसाइड हैंकी टक का भी वीडियो मैंने अभी किया है, मीन्स मैं बाद में वो शेयर करूँगी। उसके लिए भी मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है। और सॉरी, जो भी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होंगी उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी इशू है और इशू का थोड़ा मस्ती चल रहा है। तो आंगन में मैं झाड़ू लगा रूंगी। और ये देखिए, ये है मिट्टी वाला आंगन, हम लोग आंगन कहते हैं। बहुत से लोग पता नहीं क्या कहने की, तो मतलब हर मतलब सब अलग अलग तरीके का नाम रखते हैं। तो यहाँ पर है ना, पहले मैं खराटे से झाड़ू लगा रही थी, मीन्स कि जो सिक वाले झाड़ू होते हैं ना, उस टाइप के झाड़ू होता है, उससे लगा रही थी, पर उससे हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने ना ये खजूर की जो झाड़ू है इससे लगा रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर सर पे पल्ला ले लिया क्योंकि धूल इतनी उड़ती है ना, और फिर धूल के कारण जो हमारे हेयर है वो भी डैमेज हो जाते हैं, हेयर फॉल्स होता है। इसी कारण मैंने पल्ला है ना सब पर ओढ़ लिया था। और ये देखिए, यहाँ पर इतनी सारी मतलब कि बहुत सारी मिट्टी है। तो पहले तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, फिर जो साइड में दीदी रहती है ना, उन्होंने कहा कि पहले पानी डालो उसके बाद फिर झाड़ू लगाना, नहीं तो धूल बहुत ही उड़ रही थी। क्योंकि ये उधर साइड है ना, थोड़ा सा तो हो जाता है, उतना ध्यान नहीं रहता है यहाँ पर केयर करना। देखिए टेबल चेयर, इस पर मतलब खड़े होकर पुताई की थी, तो बस वही उसके दाग वगैरह पेंट के मतलब वो गिर गया था। तो जल्दी साफ नहीं करो ना तो इस पर ना दाग जम जाते हैं, तो इसलिए है ना मैं इसे साफ कर रही हूँ। पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और वो देखिए वहाँ पर भी है ना, मतलब साफ करना है। वैसे तो कल साफ कर लिया था, बट वही कि रात को पुताई हुई थी और फिर होता है ना कि रात को इतने अच्छे से नहीं दिखाई देता है। और हाँ, घर का कलर कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जो किचन में लगाया है ना, तो यही वाला सेम टू सेम हम लोगों ने कलर है ना लगाया है। और थोड़ा सा किचन का कलर है डार्क लगता है, तो आप मुझे बताना कि किचन कैसा लग रहा है। बाहर तो बहुत अच्छे से लग रहा है। और ये देखिए, थोड़ा सा वहाँ पर है ना पेंट उन्होंने अच्छे से नहीं किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नहीं थे, मीन्स के और यहाँ पर प्रोग्राम था ना, वहाँ चले गए थे। कोजागिरी पूर्णिमा शायद आप लोग भी सेलिब्रेट करते होंगे, हम लोगों ने भी किया था, तो बस वहीं पर बिजी थी, इसलिए आज का जो व्लॉग है ना वो लेट हो गया है, क्योंकि वहाँ पर शूट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये देखिए बच्चे बच्चे आते से ही पानी के लिए नहीं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो इन पर भी ध्यान देना जरूरी होता। काम करते करते बच्चों पर भी ध्यान दो। और ये देखिए ईशू ना भाग कर चली गई थी, और ये देखिए ईशू है ना गेट लगाने की कोशिश कर रही है, और मैं यहाँ पर बुला रही थी तो वो भाग कर चली गई। और आपने देखा और सुना ना बच्चे कैसे परेशान करते हैं, और बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। आप देख सकते कितनी मेहनत करके, जैसे कि बच्चों को भी देखो और घर का काम भी करो और वीडियो भी शूट करो, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
जो डिश वॉश लिक्विड होता है ना उससे ही साफ कर रही हूँ, उससे भी अच्छे साफ हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मीन्स कि जैसे कि आप जैसे मेरे हैंकी टक वाला और साड़ी वेयर करके मैं वीडियो शूट करती हूँ तो आप लोग ऐसे ही पसंद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे मेरे जो अदर ब्लॉग होते हैं आप उसे भी पसंद कीजिए, क्योंकि डेली साड़ी वेयर करना, काम करना और बच्चों के साथ आपने देखा ही है कि नहीं पॉसिबल होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी साड़ी लवर है और जो भी हैंकी टक लवर है वो, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जो मेरे दूसरे वीडियो होते हैं आप उसे भी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए बकेट वगैरह ये भी ख़राब हो गई थी पैंट के कारण ही, तो इसे भी मैं वॉश करके रख रही हूँ। और ये देखिए पैंट का जो डिब्बा था ना, इसे भी मैं वॉश करके रख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ ना कुछ करूँगी, जैसे DIY, मतलब अब मेरा ना मतलब होता है मेरा कुछ भी DIY करने का मन करता है, बट जब मुझे टाइम मिलता है ना उस समय मैं कर लेती हूँ, ऐसे डेली तो नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए ना मैं ना उसे ना वॉश करके रख रही हूँ कि कुछ ना कुछ उसमें करूँगी। तो चलिए मैं इस व्लॉग को, छोटा सा ही व्लॉग है, छोटा सा ही वीडियो लेकर आई आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं डेली अपलोड नहीं करती तो मुझे ढेर सारे कमेंट्स आते हैं कि आज आपने अपलोड क्यों नहीं किया है, तो इसी कारण मैंने आप लोगों के लिए आज भला ही लेट कर रही बट कर रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।